गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। केमिस्ट्री वीडियो लेक्चर की सीरीज़ में आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, एग्ज़ाम की दृष्टि से ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहले वाले जो सिलेबस था अपना डिप्लोमा का, उसमें इस टॉपिक को नहीं जुड़ा हुआ था। जो नया सिलेबस आया है डिप्लोमा का, उसमें ये एक नया टॉपिक जोड़ा गया है जो अपनी पॉलीमर वाले चैप्टर है उसी के अंदर। यह है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। या इन्हें ही कहा जाता है जैव निम्नीकरणीय बहुलक। ये बहुलक कौन से होते हैं? देखिए, एक्चुअली जो पॉलीमर होते हैं, जैसे मैंने प्लास्टिक की बात की या अपन पॉलीथीन की बात करें, प्लास्टिक की बात करें, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं होते हैं। कारण क्योंकि इनको अपन फर्दर डिग्रेड नहीं कर सकते हैं, इसलिए अपने को ऐसे पॉलीमर चाहिए जिनको अपन डिग्रेड कर सकें, जो अपने जो वातावरण है उसको नुकसान नहीं पहुंचाए। तो उसके लिए जो बहुलक बनाए गए वो है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। नाम से स्पष्ट हो रहा है ऐसे बहुलक जो क्या हो जाएं, डिग्रेड हो जाए वापस। तो वापस डिग्रेड हो जाएंगे तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली रहेंगे, इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। इन बहुलकों की खोज अभी चल रही है। अभी तक दो या तीन ही बहुलक ज्ञात हुए हैं जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। खोज निरंतर जारी है। तो इनमें अपने सिलेबस में जो पॉलीमर दिए हुए हैं वो पॉलीमर है, एक तो अपने को पढ़ना है इसमें PHBV, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट, इसका पूरा नाम है। डिटेल से अपन बाद में पढ़ेंगे, एक बार देख लो क्या क्या पढ़ना है अपने को इसमें। इसके बाद में दूसरा पॉलीमर है नाइलॉन 2,6। ये दोनों पॉलीमर ऐसे हैं जो क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होते हैं, यानी जैव निम्नीकरणीय होते हैं। इनका फर्दर क्या हो जाता है, डिग्रेडेशन हो जाता है। तो यदि पहले बहुलक की बात की जाए PHBV, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट अपना बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर PHBV। तो ध्यान से समझ लीजिएगा, इसके सबसे पहले फुल फॉर्म समझिए आप, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट। देखिए, को जो जुड़ा हुआ रहता है इंग्लिश की टर्म में, इसका मतलब होता है दो वर्डों को आप आपस में जोड़ रहे हैं, यानी अपने एक चीज़ समझ में आ गई। और पॉली लगा हुआ है, इसका मतलब ये तो क्या है, पॉलीमर है, इसको भूल जाइए। को का मतलब दो वर्डों को जोड़ रहे हैं आपस में। तो एक तो इसमें मोनोमर यूनिट होगी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट, और एक मोनोमर यूनिट होगी बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट। यदि इन दोनों मोनोमर यूनिट का फॉर्मूला अपने को पता चल जाए तो अपन आराम से क्या बना सकते हैं, PHBV बना सकते हैं। तो जो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट होता है, इसी को अपन कहते हैं 3-hydroxybutanoic acid, और जो ये बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट है, वेलरेट का मतलब होता है 5 कार्बन वाला, तो ये हो जाएगा 3-hydroxypentanoic acid। ध्यान से समझ लीजिएगा, 3-hydroxybutanoic acid और 3-hydroxypentanoic acid दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बन जाएगा अपना, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट। दोनों का फॉर्मूला देख लीजिए। देखिए, ब्यूटेनोइक एसिड मतलब कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन। ओइक एसिड इसका मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, COOH, जो मैंने कार्बन केमिस्ट्री में आपको अच्छे से पढ़ाया है। फिर इसकी थर्ड पोजीशन पे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, थर्ड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, एक OH ग्रुप लगा हुआ है, बाकी की बची हुई वैलेंसी कार्बन हाइड्रोजन सेटिस्फाई करेगा, हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। तो ये तो अपना बन गया 3-hydroxybutanoic acid। इसकी रिएक्शन होगी 3-hydroxypentanoic acid। देखो, पेंट का मतलब 5 कार्बन, ओइक एसिड का मतलब COOH,
तीन, एक दो तीन, थ्री पोजिशन पे क्या जुड़ा हुआ है? OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, बाकी की वैलेंसी आप किससे सेटिस्फाई कर दीजिए, बाकी की वैलेंसी, सॉरी यहाँ तीन हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ भी तीन हाइड्रोजन, यहाँ दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और दो हाइड्रोजन क्यों आएंगे? अच्छे से पढ़ाया हुआ है मेरा, किसी ने नहीं पढ़ा हो तो एक बार मेरे पीछे के लेक्चर ज़रूर देख लीजिएगा। अब देखिए ये दो, इन दोनों की N इकाइयाँ आपस में जुड़ेगी, N इकाइयाँ आपस में जुड़कर क्या बना लेगी? PHBV बना लेगी। किस प्रकार जुड़ेगी N इकाइयाँ, इस टर्म को ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए यहाँ से एक H और आगे आने वाली यूनिट जो अपनी COOH वाली है, इसका एक OH, ये किसके रूप में बाहर निकलेगा? H2O के रूप में बाहर निकलेगा। इसका OH और पीछे वाली यूनिट का H किसके रूप में बाहर निकलेगा? H2O के रूप में बाहर निकलेगा। इसका H और आगे वाले यूनिट का COOH किसके रूप में बाहर निकलेंगे? H2O के रूप में। यानी यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा? NH2O बाहर निकल जाएगा। कैसे निकलेगा ये थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना। यहाँ पर देखिए ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कार्बन, यहाँ से एक CH3, फिर ये CH है अपना CH2, उसके बाद में क्या जाएगा? देखिए ये C डबल बॉन्ड O, आगे आने वाली यूनिट का H, इससे OH का H बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा? O, फिर वापस CH, फिर देखो इसके नीचे यूनिट क्या बच जाएगी? CH2CH3, तो CH2CH3, फिर CH2 C डबल बॉन्ड O, आगे जब यूनिट आएगी उसका क्या हो जाएगा? OH का H, H2 के रूप में बाहर निकल जाएगा। ऐसी N इकाइयाँ आपस में जुड़ जाएगी और जो बहुलक बनेगा उसे क्या कहा जाता है? PHBV, पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट एंड बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट, ये अपना पॉलीमर बन चुका है जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता है। तो इसके यूजेज की यदि बात की जाए तो बहुत ही सिंपल यूजेज हैं। क्या? ये एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता है जो क्या होता है, जो आसानी से डिग्रेड हो जाता है यदि कोई आप बैक्टीरिया वगैरह इन्वायरमेंट, जो अपनी सोयल वगैरह में बैक्टीरिया होते हैं इनकी प्रेजेंस में डिग्रेड हो जाता है, तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है। इसका जो यूज होता है वो जनरली जो इसका यूज किया जाता है वो मेडिसिन में किया जाता है, औषधियों में इसका उपयोग किया जाता है। और गुणों में मैंने आपको बता दिया कि इसके गुण क्या होते हैं, ये डिग्रेडेबल होता है, ये आसानी से क्या हो जाता है, निम्नीकृत हो जाता है। इस कारण इस बहुलक की उपयोगिता क्या होती है, दैनिक जीवन में ज़्यादा होती है। तो ये टॉपिक थोड़ा ध्यान से समझ लेना आप, क्योंकि जनरली जो आपकी किताबें हैं वो पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाई हुई है, उनमें ये टॉपिक नहीं दिया हुआ है। तो आप ये टॉपिक अच्छे से तैयार करके जाना, क्योंकि नए सिलेबस में ऐड किया गया है, इस कारण एग्ज़ाम में आने की संभावना क्या है, ज़्यादा है। इसमें एक अपना बच गया नायलॉन 26, वो अपन पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।